नमस्कार, मैं हूं दोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। इसराइल सुरक्षा बलों और फलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष और हिंसक हो चला है। ये 7 सालों की सबसे गंभीर लड़ाई बताई जा रही है। इसराइल का दावा है कि उसने हमास के कई टॉप सैनिक कमांडरों को मार दिया है। हमास ने इस बात की पुष्टि की है कि गजा शहर में उनके सैन्य प्रमुख मारे गए। फलिस्तीनी साइड से इसराइल पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो वही गजा में इसराइली हवाई हमलों को धमाके भी सुनाई दे रहे हैं। इस हफ्ते अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रात में गजा से इसराइल की ओर 200 रॉकेट दागे गए। कुछ को तो डिफेंस सिस्टम में लॉन्च होने के बाद ही रोक दिया गया, लेकिन सभी को नहीं रोका जा सका। इसके बाद यहूदी और फलिस्तीनी के बीच झड़प चालू हो गई। वहां का माहौल दहशतवादी बन चुका है।